जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर के उस जवाब के ऊपर जो उन्होंने गांधी की टिप्पणी के खिलाफ दिया था। उसमें वे साफ तौर पर कहते हैं कि उनके उठाए गए सवालों से महात्मा साफ तौर पर बचते दिखाई देते हैं अपनी टिप्पणियों में, और साथ ही वे अपने भाषण में पूछे गए जवाबों को, सवालों को 5 पॉइंट्स में बेहद प्रिसाइज और टू द पॉइंट करके लिखते हैं, और साथ ही ये चर्चा करते हैं कि शास्त्रों का जो हवाला उन्होंने अपने भाषण में दिया है वो किसी मामूली व्यक्ति के किताबों से नहीं लिया गया है, वह खुद स्वर्गीय श्री तिलक जी के लेखों और पुस्तकों से उठाया गया है, जो खुद एक संस्कृत और शास्त्रों के प्रकांड पंडित माने गए थे। ये सभी बातें उन्होंने बेहद व्यंगात्मक शैली में लिखी हैं, वो अलग बात है। और उसके बाद वे सवाल उठाते हैं कि महात्मा जो कह रहे हैं कि साधु सन्यासी और संत जो हैं वे ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं, कोई विद्वान नहीं कर सकता शास्त्रों की व्याख्या, उसके ऊपर भी वे चर्चा करते हैं। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे पढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जहां तक संतों की बात है तो ये स्वीकार करना होगा कि महज विद्वानों की तुलना में उनकी शिक्षाएं चाहे जितनी भिन्न और उदात रही हों, वे शोचनीय रूप से बेअसर रही हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में भी इस चीज को मेंशन किया है कि क्यों इतने सारे जो समाज सुधारक पैदा हुए हैं उसके बावजूद भी हिंदू धर्म का उत्थान अभी तक क्यों नहीं हो सका। अब यहां पर उसकी वे चर्चा कर रहे हैं। उनकी बेअसर होने के 2 कारण हैं। प्रथम, किसी भी संत विदिन ब्रैकेट हिंदू संत ने जाति प्रथा पर हमला नहीं किया है, इसके विपरीत वे जाति व्यवस्था के प्रचंड समर्थक थे। तो यदि आपको याद हो, भाषण शुरू होते ही सबसे पहला उन्होंने शिवाजी को कोट किया था कि शिवाजी ने जिनको अपना गुरु बनाया था वे हिंदू ब्राह्मण संत रामदास थे। स्पेसिफिकली वहां संत के नाम के आगे उन्होंने ब्राह्मण मेंशन किया था क्योंकि वे जाति व्यवस्था के पोषक थे। उन्होंने उनमें से अधिकांश जिस जाति के थे उसी जाति में जिए और उसी जाति में मरे। ब्राह्मण के रूप में अपनी हैसियत के प्रति ज्ञानदेव इतने अनुरक्त थे कि जब पैथान के ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समुदाय में शामिल करने से मना कर दिया, तब ब्राह्मणों के बीच ब्राह्मण के रूप में मान्यता पाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिए थे। और संत एकनाथ ने भी, जिन्हें नायक के रूप में रखकर धर्मात्मा नाम की फिल्म बनी है क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यों को छूने और उसके साथ भोजन करने का साहस दिखाया था, ऐसा इसलिए नहीं किया था कि वे जाति के विरोधी थे, बल्कि इसलिए किया था कि उन्हें लगता था कि इससे जो छूत लगेगी उसे गंगा नदी के पवित्र जल में एक डुबकी लगाने भर से धोया जा सकता है। तो पूरा व्यंगात्मक शैली में जवाब है, मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूं पिछले एपिसोड में। विदिन ब्रैकेट अंत्य जाचा विटाल ज्यासी गंगा स्नान शुद्धत्व त्यासी एकनाथी भागवत अध्याय 28 और 191वां श्लोक। जहां तक मेरी जानकारी है संतों ने कभी भी जाति और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। मनुष्यों के बीच संघर्ष से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उनका सरोकार मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध से था। तो एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान से सरोकार रखना एक अलग पहलू है, और एक इंसान होने के नाते भगवान से अपना संबंध जोड़ना अलग पहलू है। उन्होंने ये सीख नहीं दी कि सभी मनुष्य बराबर हैं, उनकी सीख ये थी कि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य बराबर हैं। तो ये दोनों अलग बातें हैं। सभी इंसान सभी मनुष्य समान है एक अलग बात है, और यहां पर उन्होंने ये शिक्षा दी कि हम कितना भी जाति पाति कर लें लेकिन भगवान जो है वो सबको समान मानते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को समान नहीं मानते। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है। एक निहायत भिन्न और हानि रहित प्रस्ताव जिसकी शिक्षा देना किसी के लिए भी कठिन और जिसमें विश्वास करना किसी के लिए भी खतरनाक नहीं हो सकता। तो यहां पर ये बता दूं कि ये वो समय था जब भक्ति काल जो है वो अपने चरम पर था, और इसको स्वर्ण काल भी कहा गया है कहीं कहीं जगहों पर। हिंदी साहित्य के जो छात्र हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ये वो समय था भक्ति काल का, यदि आप मूल्यांकन करें, एनालिसिस करें टाइम पीरियड का, तो ये वो टाइम पीरियड था जिस समय
शकों, हूणों, तुर्कों, अफगानियों, मुगलों का आक्रमण लगातार यहां पर होता था और मुगल काल जो था वो अपने स्वर्णिम दौर में चल रहा था भारत में। तो उनकी उसकी एवज में डर कर ये भक्ति आंदोलन जो है वो चालू हुआ और जिसने लोगों को बरगलाने का काम ही ज्यादा किया कि भगवान के सामने सब एक बराबर है। तो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे यहां से स्ट्रांग होता चलता है आम जन के ऊपर। संतों की शिक्षाओं के बेअसर होने का दूसरा कारण यह है कि जनसाधारण को सिखाया गया कि संत जाति को तोड़ सकते हैं पर सामान्य लोग नहीं। तो ये वो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संत जो करते थे कहीं भी बैठ लिए, कहीं भी खा लिए, फिर जाके गंगा में डुबकी लगा ली, वो संत हैं, वो महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम जन नहीं करेगा इस चीज को क्योंकि वो संत नहीं है। इसलिए कोई भी संत अनुकरणीय उदाहरण नहीं बन सका, वह हमेशा एक पवित्र व्यक्ति बना रहा जिसका आदर किया जाना चाहिए। जनसाधारण जाति और अस्पृश्यता का प्रबल समर्थक रहा है। इससे पता चलता है कि संतों के पवित्र जीवन और उनकी महान शिक्षाओं का उसके जीवन और आचरण पर शास्त्रों की शिक्षाओं की तुलना में कोई असर नहीं पड़ा है। तो क्यों शास्त्रों की मान्यताएं ध्वस्त नहीं हो सकी? वैसे तो जाति का विनाश में भी डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर विस्तार से चर्चा करी है, लेकिन क्योंकि महात्मा ने इस चीजों को लेकर सवाल खड़े किए हैं तो उसका जवाब देना डॉक्टर अंबेडकर अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इस प्रकार इस बात से कोई सांत्वना नहीं मिलते कि ऐसे संत थे या ऐसा कोई महात्मा है जिसने शास्त्रों की व्याख्या कुछ विद्वानों या कुछ सारे अज्ञानों की तुलना में अलग ढंग से प्रस्तुत की है। अतः जनसाधारण में शास्त्रों की धारणा अलग है। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। शास्त्रों की सत्ता को जो अभी भी जनसाधारण के आचरण को अनुशासित करती है, चुनौती देने के अलावा स्थिति का सामना कैसे किया जा सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर महात्मा ने विचार नहीं किया कि जितने भी संत साधु महात्मा हुए हैं उन लोगों ने जाति को तोड़ने के ऊपर कोई काम नहीं किया है, हालांकि लोगों को बरगलाने का काम किया है कि मनुष्य में भेद हो सकता है लेकिन भगवान के सामने मनुष्य में कोई भेद नहीं है, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता। तो ऐसी बातों से जनसाधारण के माइंड को कैप्चर किया गया है, लेकिन जनसाधारण को शास्त्रों की शिक्षाओं से मुक्त कराने के प्रभावशाली साधन के रूप में महात्मा जो भी योजना सामने रखते हैं उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि एक एक नेक आदमी द्वारा जिया जा रहा पवित्र जीवन उसके लिए चाहे जितना उदात्त हो, लेकिन संतों और महात्मा के प्रति जनसाधारण का जो नजरिया है, आदर करना पर अनुकरण ना करना, उससे बात बनने वाली नहीं है। कि संतों का आदर तो कर रहे हैं कि हाँ वो जाति पाति तोड़ देते हैं, वो कहीं भी किसी के भी साथ उठ बैठ लेते हैं, किसी के भी घर में खाना खा लेते हैं, फिर बेशक बाद में गंगा में डुबकी लगा लेते हैं कि उन्होंने पाप कर दिया है और शुद्धिकरण अब उनको करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अपने जवाब में, और ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से उन्होंने बैरिकेटिंग कर दी है कि महात्मा जो हैं कहीं से भी निकलकर जाने ना पाए इन सवालों से बचकर। तो आगे वो सवालों की और भी ज्यादा पुख्ता बैरिकेटिंग कर रहे हैं, सुनिए किस तरह। तीसरा मुद्दा महात्मा ने यह उठाया है कि जिस धर्म को मानने वालों में ज्ञान देव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि जैसे लोग रहे हैं वह गुण रहित नहीं हो सकता। इस पर भी हमने चर्चा करी थी गांधी की टिप्पणी के ऊपर, और इन सभी महापुरुषों का जो फुटनोट में ब्यौरा था वो भी मैंने बाकायदा विस्तार से पढ़ा था। जो निष्कर्ष मैंने निकाला है, और किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों के आधार पर नहीं बल्कि जो श्रेष्ठतम उसने पैदा किया हो उसके आधार पर किया जाना चाहिए। इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द से मैं सहमत हूं कि बिल्कुल धर्म का जो एनालिसिस होता है वो उसकी अच्छी बातों से होता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह समझने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूं कि यह कहकर महात्मा साबित क्या करना चाहते हैं। अब मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। यह एकदम सही है कि किसी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों से नहीं बल्कि उसके सर्वश्रेष्ठ से किया जाना चाहिए,
लेकिन क्या इतने भर से बात समाप्त हो जाती है? मेरा कहना है बात खत्म नहीं होती। ये सवाल फिर भी बना रह जाता है, निकृष्टतम लोगों की संख्या इतनी ज्यादा और उत्कृष्ट लोगों की संख्या इतनी कम क्यों? तो अगेन बहुत व्यंग्य कर रहे हैं कि निकृष्टतम लोग, जिनको कीड़े मकोड़े समझा जाता है, जिनको अछूत समझा जाता है, जिनको शूद्र समझा जाता है, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, और जो उत्कृष्ट जन है, ब्राह्मण जन है या सवर्ण समाज है, उसकी मुट्ठी भर भी संख्या नहीं है। क्या उससे मूल्यांकन होगा? मेरे विचार से इस प्रश्न पर सिर्फ दो तरह की कल्पना की जा सकती है। पहला, जो निकृष्ट है उनमें कुछ ऐसी मौलिक विकृति है कि वे नैतिक शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकते और इसलिए धार्मिक आदर्श को समझने या उस पर आचरण करने से बहुत दूर रह जाते हैं। तो अब बेसिक मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं कि जो एकदम निकृष्ट लोग कहे जाते हैं ना, बेकार, ज्यादा जनसंख्या वैसी है और उनको शिक्षा के अधिकार से हमेशा दूर रखा गया है, वो धार्मिक बातों को समझने और परखने की कोई समझ नहीं रखते बिना ज्ञान के। दूसरी बात पे कह रहे हैं, अथवा धार्मिक आदर्श एक सर्वथा गलत आदर्श है जिसने बहुतों के जीवन को एक गलत नैतिक मोड़ दे दिया है और जो उत्कृष्ट हैं वह इस गलत आदर्श के बावजूद उत्कृष्ट बने हैं, वास्तव में इस गलत मोड़ को एक सही दिशा देकर। तो बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं, रहस्य भरी बात कह रहे हैं कि जो निकृष्ट चीजें हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में वो लोग हैं जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, और जो उत्कृष्ट अपने आप को कहते हैं उन्होंने गलत आदर्शों की प्रस्तुति करी है उन लोगों के सामने जो अशिक्षित हैं, जो अपना अच्छा बुरा सोचने समझने की हालत में नहीं है। इन दोनों व्याख्याओं में से पहली को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं और मुझे विश्वास है महात्मा भी इसके विपरीत जाने का आग्रह नहीं करेंगे। मेरे विचार से दूसरी व्याख्या ही एकमात्र तार्किक और बुद्धिसंगत व्याख्या है। जब तक महात्मा इस बात की व्याख्या करने के लिए कि निकृष्ट इतने ज्यादा और उत्कृष्ट इतने कम क्यों हैं, कोई तीसरा विकल्प प्रस्तुत नहीं करते, यदि दूसरी व्याख्या ही एकमात्र सही व्याख्या है, तो स्पष्टतः महात्मा का ये तर्क कि किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके सर्वोच्चतम अनुयायियों से किया जाना चाहिए, हमें उन बहुतों पर दया करने के अलावा और कहीं नहीं ले जाता जो इसीलिए गलत है क्योंकि उन्होंने गलत आदर्शों की पूजा की है। तो बहुत अच्छे से अपनी पूरी बात को वे सामने रख रहे हैं कि महात्मा बोलते हैं कि हमेशा जो अच्छी चीजें हैं उससे एनालिसिस करना चाहिए किसी चीज का, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि यदि आप एक प्रपोर्शन देखें, बुरी चीजें ज्यादा हैं और अच्छी चीजें बहुत कम हैं, तो ये मूल्यांकन, ये एनालिसिस कैसे पॉसिबल है? हमेशा मूल्यांकन या एनालिसिस उसी चीज का होता है ना जो बहुत ज्यादा तादाद में हो, और इस धर्म में बुराई ज्यादा है और जो थोड़ी बहुत अच्छाई है, जिस व्यंगात्मक शैली में वैसे तो उन्होंने बोला है, खिल्ली उड़ाते हुए बोला है कि जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, जो अपने आप को देवता के रूप में पूजा करवाता है, उसने गलत आदर्श जो है सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो गलत आदर्शों को यदि सर्वोच्च मान लिया जाए तो भी इस धर्म में खामियां ही खामियां हैं। तो दोनों ही तरीके से अच्छे से उन्होंने बैरिकेटिंग कर दी है कि महात्मा अब यहां से बचकर निकल नहीं सकते इन सवालों से। तो यहां पर इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है वैसे तो कि आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि कहीं मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछिएगा। इसी के साथ विदा लेती हूं, अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक आगे दीजिए और अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाना और घर की महिलाओं को सुनाना न भूलें। धन्यवाद।